हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 13.1 क्वाड्रिलेटरल्स की। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल से जुड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की। देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो बनता है आपका, वो दो शब्दों से जुड़कर बनता है। क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। देखिए, यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन का मतलब है कि इसको किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। तो इसको डिफाइन करने का सिंपल सा मतलब है, जब आपकी फोर साइड्स, ठीक है, आपस में बाउंडेड होंगी। बाउंडेड का क्या मतलब है? जुड़ी होंगी। जुड़ी का क्या मतलब है? यहां पर चार वर्टिसेस होंगे। लेट से ये आपकी चार साइड हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ये आपकी चार साइड हो गई और चारों साइड्स आपस में जुड़ी हुई हैं। दैट मीन्स अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। देखिए, इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है, आप इसको लिख सकते हो क्वाड डॉट ए बी सी डी, या फिर आप इसको सिंबल की फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। छोटा सा क्वाड्रिलेटरल आपको यहां पर बनाना है, ओके, फोर साइड्स का होगा और लिख सकते हो एबीसीडी। और ये जो आपके चार पॉइंट है ए बी सी एंड डी, ये कहलाते हैं वर्टिसेस। इस फिगर में चार एंगल होंगे, कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और साथ में दो डायगोनल्स भी होंगी, कौन कौन सी? आप देखिए, ए सी आपकी पहली डायगोनल है और दूसरी होगी डी बी, या फिर आप बी डी बोल सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स की। देखिए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर टू साइड्स को कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट आप तभी बोलोगे जब उनका एक कॉमन वर्टिसेस होगा। दैट मीन्स, लेट से आपका ए आपका कॉमन वर्टिसेस है और साइड है आपकी ए बी और ई डी। तो इसका सिंपल सा मतलब है ए बी एंड ई डी आपकी हो जाएंगी कॉन्जिक्यूटिव या फिर एडजेसेंट साइड। तो आप यहां पर पेयर्स की फॉर्म में एडजेसेंट साइड्स को लिख सकते हो। लेट से मैं यहां पर लिख देता हूं ए बी एंड डी ए को, ए बी एंड डी ए, ओके। इसी तरीके से आप बाकी जो एडजेसेंट साइड बनती हैं उनको भी आप यहां पर लिख सकते हो। लेट से अगर मैं बात करूं ए बी और बी सी की, तो ये भी आपकी कैसी होंगी? कॉन्जिक्यूटिव साइड, ए बी एंड बी सी, ओके। अगर हम बात करें कि आपका जो सी पॉइंट है, ये आपका कॉमन वर्टिसेस है, कौन कौन सी साइड का? डी सी का और बी सी का। तो आपका बी सी एंड सी डी हो जाएगा एडजेसेंट साइड। और लास्ट में आपका बनता है, अगर हम बात करें डी पॉइंट की, तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपकी साइड है डी सी, और या फिर हम कह सकते हैं ए डी, है ना। तो आप यहां पर लिख देंगे डी सी एंड डी ए, ओके। तो इस तरीके से आपके चार पेयर बनते हैं। अब बात करते हैं अपोजिट साइड। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप अपोजिट साइड कब बोलोगे? इफ दे हैव नो कॉमन एंड पॉइंट। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर हम बात करें ए बी और डी सी की, तो आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी कॉमन पॉइंट या फिर कॉमन वर्टेक्स नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा था कॉन्जिक्यूटिव साइड के अंदर, लेट से आपका कॉन्जिक्यूटिव पेयर ये वाला हम ले लेते हैं ए बी एंड बी सी, ओके। तो इस केस में आपका बी जो पॉइंट है वो आपका कॉमन वर्टिक्स है, लेकिन अपोजिट साइड वाले केस में कोई भी कॉमन वर्टिक्स नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए बी एंड सी डी, ओके, ए बी एंड सी डी, ये दोनों साइड आपकी अपोजिट होंगी। इसके बाद आप लिख सकते हैं ए डी, ए डी के सामने कौन सी होगी? बी सी, ए डी एंड बी सी। तो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो पेयर आपके अपोजिट साइड के होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की। देखिए, जब भी आपके पास दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म होगी, लेट से अगर हम बात करते हैं एंगल ए एंड एंगल बी की, तो यहां पर जो कॉमन आर्म है वो कौन सी है? ए बी, ओके। अब देखिए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी में आपकी कॉमन आर्म है बी सी। इसी तरीके से एंगल सी एंड एंगल डी में
आपकी कॉमन आर्म है डीसी, तो इसलिए हमने इन सभी एंगल्स को बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। अगर हम बात करें अपोजिट एंगल्स की, तो अपोजिट एंगल कौन से होंगे? देखिए, जब आपके पास कोई भी कॉमन आर्म नहीं होगी, है ना, एंगल्स के बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं होगी, तो उन सभी एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? अपोजिट एंगल्स। देखिए, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए आपका ये वाला है और एंगल सी आपका ये वाला है, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। आप देख लीजिए, ए बी एंड ए डी, ये जो आपकी साइड्स हैं, इनका कोई भी लिंक नहीं है एंगल सी से, तो इसलिए हमने बोल दिया ये सभी एंगल्स आपके होंगे अपोजिट एंगल्स। अब बच्चों बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। देखिए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। इसका सिंपल सा मतलब है, द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बच्चों ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।